जगहा पुलिस ने 23 जुलाई को सुखैती के शक में ग्राम जमरू में दिन दहाड़े अपने चाचा हरि नारायण की चाकू से गला रेत कर हत्या करने वाले भतीजे और उसके साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर नई बाजार से दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान चंद्रकेश उर्फ लालजी उर्फ धमाली पुत्र स्वर्गीय वीरेंद्र यादव निवासी जमरू थाना जगहा जनपद गोरखपुर, दूसरा रामनाथ यादव पुत्र श्याम देव यादव निवासी हैदराबाद मकरा थाना रौना पार जनपद आजमगढ़ के रूप में हुई है, जिनके पास से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, एक चाकू व घटना के समय अभियुक्त द्वारा पहना गया टी शर्ट जिस पर खून के छींटे लगे थे उसको बरामद किया गया है। एसपी नॉर्थ ने बताया कि इस हत्या की घटना को अभियुक्त चंद्रकेश उर्फ लालजी उर्फ धमाली पुत्र स्वर्गीय वीरेंद्र यादव निवासी जमरू थाना जगहा ने अपने साथी रामनाथ यादव पुत्र श्याम देव यादव निवासी हैदराबाद मकरा थाना रौना पार जनपद आजमगढ़ के सहयोग से अंजाम दिया था। हत्यारोपी भतीजे चंद्रकेतु को यह विश्वास है कि उसके चाचा हरि नारायण यादव ने तंत्र मंत्र टोना टोटका मेरे परिवार वालों के ऊपर कर दिया था, जिसमें मेरा दो ट्रक, मेरी कंबाइन मशीन बिक गई तथा मेरी कई भैंसें मर गई और इसी के कारण मेरे पिता स्वर्गीय वीरेंद्र यादव की मृत्यु हो गई। उसका बदला लेने के लिए चाचा हरि नारायण की हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में जगहा थाना प्रभारी संजय कुमार मिश्रा, उप निरीक्षक सूरज सिंह, कांस्टेबल सुनील कुमार गौतम, उदय कुमार यादव सहित महेंद्र तिवारी शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, उसके बाद फिर ये वापस चले गए, फिर 23 को फिर आए, 23 को फिर ये घटना हो अंजाम। लगातार नुकसान हो रहा था, ट्रक बिक गया, इनका कंबाइन इनकी बिक गई, इनके पिताजी बीमार रहते थे, उनकी डेथ हो गई। तो अब ये अपने जो भी अंधविश्वास की वजह से इनको लगने लगा कि इनके चाचा ये सब करा रहे हैं। नहीं, उसकी काट के लिए इन्होंने कई दो सुखाओं से संपर्क किया था, उनसे कुछ पूजा पाठ भी कराई थी, लेकिन उनसे कोई लाभ नहीं आया, इसकी हत्या ही कर दी जाए। अभी तो बीमारी से मरे, ये तुमको कैसे पता कि सुखौती से मरे? सर कुछ था नहीं, हमारे पापा ओ एन जी सी में पूरा शरीर का पी एम नहीं हुआ, ओ एन जी सी रिटायर्ड सर। बिल्कुल ठीक हो पाते अभी सर। तो तुम्हारा सोफा क्यों नहीं काम कर पाया ये? सर कुछ ऐसे उसमें खराब चीज़ें हैं कि वो बोला कि उनका ये काम किया जाएगा तो उसका पूरा परिवार खत्म। अच्छा, तो तुम पूरा परिवार नहीं ख़त्म करना चाह रहे थे? ये झंघा में दिनांक 23/7 को एक हरि नारायण नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी, तो उसी के जो सही अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है और उस संबंध में आप लोगों को जानकारी दी। ये हरि नारायण के ऊपर जो इसका भतीजा है उसको शक था कि वो सुखौती कराता है, जादू टोना कराता है, जिससे कि उसका व्यापार और उसके पिताजी की मृत्यु हुई है। तो इसने उसको कटवाने के लिए भी कई सोखा लोगों से संपर्क किया, लेकिन कोई उससे लाभ नहीं हुआ। तो इसने आजमगढ़ में रहने वाले अपने एक दोस्त के साथ मिलके और इसकी 23/7 को हत्या कर दी। इनके पास से चाकू बरामद हुआ है जो हत्या में प्रयोग किया गया है और पूरी घटनाक्रम का वो स्वीकार कर रहे हैं कि उनके द्वारा हत्या की गई, और कारण भी बता रहे हैं कि किस कारण से हत्या की गई। नहीं, कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, मात्र यही कारण था जिसके कारण से इनके द्वारा हत्या की गई। इनके यहाँ एक गांव में एक बरसी थी, ये भी रिश्तेदार ही लगते हैं उनके, तो वहाँ जो दूसरा आरोपी था वो भी वहाँ पर आया हुआ था, उसी में इन दोनों से बात हुई। तो इसने कुछ सोखा लोगों के बारे में जानकारी चाही, तो उसने एक दो सोखा लोगों से इनको मिलवाया, लेकिन इसका वांछित काम नहीं हो पाया। तब फिर इसने प्लान बनाया कि इनका मर्डर कर दिया जाए, तब उसी के साथ मिलके इन दोनों ने इसकी हत्या कर दी।